नमस्कार, एनएम न्यूज पर आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। अमेरिका को नए राष्ट्रपति मिल चुके हैं। 20 जनवरी को डोनाल्ड ट्रंप अगले 47वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेंगे, और जैसे वो शपथ लेंगे वैसे ही कहा जा रहा है कि बांग्लादेश के जो दिन हैं वो सही होने वाले हैं। मोहम्मद यूनिस जो कार्यकारी प्रधानमंत्री बने हैं, वैसे भी डोनाल्ड ट्रंप के कट्टर माने जाते हैं, क्योंकि पिछला चुनाव जब डोनाल्ड ट्रंप जीते थे उस चुनाव में भी इन्होंने हिलरी क्लिंटन को फंडिंग की थी लाखों डॉलर की। और अब बांग्लादेश में जो ट्रंप समर्थक हैं उन्हें मोहम्मद यूनिस ने पिटवाना शुरू कर दिया है, उन्हें गिरफ्तार करवाना शुरू कर दिया है। तो आने वाली जो कहानी है वो बांग्लादेश के लिए क्या कुछ होने वाली है और मोहम्मद यूनिस ऐसा कर क्यों रहे हैं, उसी पर ज्यादा चर्चा करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी पंकज प्रसून। बहुत बहुत स्वागत है सर। सर देखिए, ये जो काम शुरू किया है मोहम्मद यूनुस ने ट्रंप समर्थकों को पिटवाने का, गिरफ्तार करवाने का, उससे वो संदेश क्या देना चाहते हैं, क्योंकि 20 जनवरी के बाद तो ट्रंप साहब जो है वो कमान संभाल ही लेंगे। देखिए, दो बातें हैं। जो डेमोक्रेट्स की सरकार चल रही थी, या फिर ओबामा हो या फिर बाद में ये जो जो बिडेन की सरकार चली, दोनों डेमोक्रेटिक पार्टी के थे वहां के राष्ट्रपति, इन लोगों ने सबसे ज्यादा जंगे लड़ी, इन दोनों ने सबसे ज्यादा तख्ता पलट करवाए। जो बिडेन ने भी सबसे ज्यादा तख्ता पलट करवाया, उससे भी ज्यादा ओबामा ने करवाया। और अमेरिका में एक शब्द है कि एक डर्टी ट्रिक्स डिपार्टमेंट चलता था इनका, जिसमें जितने ग्लोबलिस्ट थे, मतलब ये ग्लोबलिस्ट मतलब सोरोस, रॉकफेलर फाउंडेशन, फोर्ड फाउंडेशन, ये बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन, ये दूसरे देशों में जाते तो थे समाज सेवा के नाम पे, लेकिन वहां रेजिम चेंज करवाना, वहां के देशद्रोही एलिमेंट्स को या सरकार विरोधी एलिमेंट्स को फंड मुहैया कराकर तख्ता पलट करवाना, इन सब में शामिल थे। ट्रंप के बारे में एक बात समझ ले पूरी दुनिया कि वो जैसे हैं वैसे बोलते हैं, उनका मुंह कुछ और पीछे कृत्य कुछ, मतलब हाथी के दांत खाने के कुछ और दिखाने के कुछ और नहीं है। यही बात है। अब जो कमला हैरिस थी, जो बिडेन क्या थे, वो पूरा कुछ देख रहे थे, कमला हैरिस ये सारा काम। अब ये बात दुनिया भर में एस्टेब्लिश्ड है कि ये जो मोहम्मद यूनुस हैं, बांग्लादेश के जो एंटरिम प्राइम मिनिस्टर हैं, ये पपेट थे, एक कठपुतली जो कि बहुत दिनों से अमेरिका में रह रहा था, यूरोप में रह रहा था, और वो हिलेरी क्लिंटन जो कि एक और डेमोक्रेट है, उसके पेरोल पे पलने वाला ही आदमी था, और वो बार बार इसको पैसे देती थी, रहता था। जब बांग्लादेश में तख्ता पलट किया गया तो मोहम्मद यूनुस को वहां से भेजा गया कि तुम वहां का प्राइम मिनिस्टर बनो और वहां पे रेजिम चेंज करने की कोशिश, जो सबको पता है। लेकिन जो बात दुनिया को नहीं पता है वो ये है कि शेख हसीना ने कभी इस्तीफा दिया ही नहीं। शेख हसीना ने इस्तीफा नहीं दिया आज तक। नहीं पंकज जी, ये तो कहा जाता है ना कि जबरन उनसे दिलवाया गया इस्तीफा। नहीं, कहां है वो दिखाए ना। जबरन दिलवाया गया तो कोई तो ऐसा पेपर होगा जिस पर हस्ताक्षर किया होगा। नहीं है ऐसा पेपर। और आज भी लीगली शेख हसीना ही बांग्लादेश की इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर है। मोहम्मद यूनुस को तो किसने इलेक्ट किया नहीं, किसने चुना। अब मोहम्मद यूनुस को यह डर है कि जैसे ट्रंप बने, शेख हसीना ने उन्हें फोन किया, और सिर्फ फोन किया नहीं, डोनाल्ड ट्रंप ने उस फोन को रिसीव भी किया और जवाब में क्या बोला पता है, जब बधाई दी तो थैंक यू प्राइम मिनिस्टर। संबोधन का बहुत महत्व है। डोनाल्ड ट्रंप आज भी शेख हसीना को थैंक यू प्राइम मिनिस्टर बोल रहे हैं और मोहम्मद यूनुस ने आज तक बधाई नहीं दी। तो कहानी यह है कि जब डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बनेंगे तो कमला हैरिस की कठपुतली और हिलेरी क्लिंटन के पेरोल पे पलने वाले इस मोहम्मद यूनुस को सबसे पहले वहां से हटाएंगे। लेकिन उसमें तो 2 महीने का वक्त बाकी है ना पंकज जी अभी। हाँ, तो क्या हो गया, महीना 2 महीना रह लेगा। अगर इस बीच बांग्लादेश ने चुनाव का ऐलान कर दिया, करने दीजिए ना, जीतेगा तब ना ऐलान। वो कभी नहीं करेगा, उसको पता है कि मोहम्मद यूनुस के वोट है नहीं। वो तो पैसे स्टूडेंट्स को भड़काकर और इस तरह हिंदुओं के खिलाफ इस्लामिक भावनाएं भड़काकर, इस तरह से वो सत्ता में बना हुआ है। वो रोज कहीं ना कहीं हिंदुओं को पिटवाता है। आपको पता है बांग्लादेश में कल का फरमान क्या है? बांग्लादेश में तिलक लगाना, कंगन बांधना, जाप करना, संगति ध्वनि, घंटी, इन सब पे रोक लगा दी गई है। नहीं, सेना घर में घुसकर पीट रही है तब तो। अब यही बात है, करने दीजिए ना, अत्याचारी के अत्याचार से
कहानियां नहीं बदला करती, उसे सिर्फ कुछ वक्त तक संतोष होता है कि उसने ये काम कर लिया। मोहम्मद यूनुस इज नॉट परमानेंट सॉल्यूशन। वो आया है फुलझड़ी की तरह, रोशनी बिखेरा पर वो खत्म होगा, जल्द ही जलकर बुझ भी जाएगा। और जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड जो लोग होते हैं ये परमानेंट होते हैं, क्योंकि जनता के ने इन्हें चुना होता है, जनता की आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो ऐसा मान लें कि जल्द ही शेख हसीना बांग्लादेश लौटने वाली हैं, ये एक निश्चित कहानी है। समय लगेगा, अब इतने पैसे खर्च किए हैं अमेरिका ने, इतने पैसे खर्च किए हैं वो डोनाल्ड लू के पीछे, वहां के स्टूडेंट्स को इतने फंड दिए हैं, ये सब समय लगेगा ना। इस्लामिक भावनाएं भड़काओ, आपको क्या लगता है कि बांग्लादेश का निर्माण ऐसे ही हो गया था? उस वक्त भी कट्टर भावनाएं थी जो कि पाकिस्तान के साथ थी, लेकिन उसके बावजूद बांग्लादेश लिबरेशन आर्मी के लोगों ने और भारत के सहयोग से बांग्लादेश बना ना। ये सहयोग की आपने बात की ना पंकज जी, देश में ऐसी मांग फिलहाल उठ रही है जैसे 71 में भारत ने इसको भारत सहयोग किया, वैसे अब भी भारत जो है हिंदुओं की रक्षा करे वहां जाकर एक हिस्सा और कर दे बांग्लादेश का। नहीं ऐसा नहीं होता, इंस्टेंट मैगी नहीं है कि चढ़ा दिया पानी में घोल दिया देश बन गया। उसके पीछे बहुत हार्डवर्क और बहुत, मतलब बोलते हैं ना, बहुत डिटेल्ड प्लानिंग होती है। आप यकीन रखिए भारत सरकार अपना काम कर रही है, भारत सरकार बेवकूफ नहीं है कि सारी दुनिया के विरोध और मुस्लिम कट्टरपंथी देशों अमेरिका के विरोध के बावजूद भी शेख हसीना को अपने यहां रखे हुए। ना मोदी बेवकूफ है ना जी डोभाल बेवकूफ है, बस सही वक्त का इंतजार कर रहे थे। दबदबा बढ़ने वाला है मतलब भारत का एक बार फिर बांग्लादेश। डोनाल्ड ट्रंप आए यही वक्त का इंतजार हो रहा था। ठीक है, और जो ये ट्रंप समर्थकों को पिटवाने जा रहे हैं, देखिएगा ट्रूडो भी जाएगा, डोनाल्ड ट्रंप आएंगे, ये मोहम्मद यूनुस भी जाएगा यहां पे। बंदूक के जोर से कैसे तुम इतने बड़े देश पर राज कर लोगे भाई? नहीं मैं वो कह रहा था कि सीधे सीधे ट्रंप को चुनौती देना ही तो हुआ ये कि ट्रंप समर्थकों को आप पिटवाएंगे, जेल में डलवाएंगे। बिल्कुल, और ये बौखलाहट में क्या करेगा और आदमी? नहीं बौखलाहट है फिर ताकत है किसी के पीछे, इसके पीछे वही ताकत है। ये देखिए ये खुलकर समर्थन कर रहा था कमला हैरिस का, डेमोक्रेट का, डेमोक्रेटिक पार्टी को, जो वहां जो डेमोक्रेट्स हैं उनको इसने फंड भी भिजवाया था। और डोनाल्ड ट्रंप को यह बात पता था। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने कैंपेन के दौरान और कैंपेन के बाद भी ये साफ साफ कहा है कि बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ ज्यादती हो रही है और हम उसका समर्थन नहीं करते, हम बांग्लादेश के हिंदुओं के साथ हैं, जो भारत के सेकुलर पार्टियां नहीं कह सकी वो डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है। एक भी भारत के कोई भी दल बताया है, ये जो बताइए जो डॉट वाला इंडिया बना के रखा है कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार पर, एक शब्द किसने बोला है? लेकिन डोनाल्ड ट्रंप बोल रहा है, जॉर्जिया मेलोनी बोल रही है इटली की, कनाडा का जो ट्रूडो का जो विरोधी पार्टी है वो बोल रहे हैं, कोई पीएरए करके नाम है, यहां भारतीय जनता पार्टी बोल रही है। दुनिया दो खेमों में बट चुकी है, एक ये लेफ्ट इस्लामिस्ट खेमा है और दूसरा राष्ट्रवादी खेमा है जिसे नेशनलिस्ट बोलते हैं, जैसे इसमें डोनाल्ड ट्रंप है, जॉर्जिया मेलोनी है, सैकड़ों इस तरह की सरकारें हैं, जापान की सरकार है, भारत की सरकार है, जो कि जिन्हें अपने देश से प्यार है, और दूसरा है मिट्टी के गद्दार, अपने जिस देश में जहां पे जो है वहीं पे उसको छेद कर रहे हैं। और यही है बांग्लादेश में भी यही हो रहा है। ये मोहम्मद यूनुस कब से बांग्लादेश के लोगों की भलाई सोचने लगा? ये तो अमेरिका में रहता था, इतनी भलाई सोचता तो बांग्लादेश में रहता ना। ये हिलेरी क्लिंटन के पैसों पे क्यों पल रहा था? हिलेरी क्लिंटन का क्या स्वार्थ था, इसे क्यों पैसे दे रही थी? आज ही भारत के बारे में एक खबर आई है बड़ी विचित्र, शायद दर्शकों को पता नहीं, एक राणा अयूब है यहां पत्रकार थी, वो भी आजकल अमेरिका में भाग के रह रही है और उसने भी रेजिम चेंज वालों का बहुत साथ दिया। उसने पता है अपने भाषण में क्या कहा कि मैं हिंदू अमेरिकन गर्ल बन के गई थी गुजरात में और मोदी सरकार के बड़े बड़े अफसरों को फांसा और हाँ, और मेरे बॉडी में 18 कैमरे लगे रहते थे। मैं आपको वो लिंक भेज दूंगा। ये राणा यू भारत की पत्रकार का, अब बताए उसका क्या मकसद हो सकता है, वो क्यों कर रही थी ये? बदनाम करने के लिए। ऑफ कोर्स ये ऐसी कौम है ना, मतलब ये जो लेफ्ट लिबरल इस्लामिस्ट जो बोलते हैं ना, ये जिस थाली में खाते हैं, जिस वतन में रहते हैं, जिस मिट्टी में पले बड़े, उसी में छेद करते हैं ये। बिल्कुल, इनके खून में है ये। लेकिन अब एक बार फिर से हम कह सकते हैं कि बदलने वाले बांग्लादेश के दिन, बात नहीं है ये, बांग्लादेश में भी वही काम कर रहे हैं, वहां कैसे गद्दारी कर रहे हैं, भारत में तो भारत से गद्दारी कर रहे हैं, वो जिस देश में है वहीं से गद्दारी कर रहे हैं। और ये जो ट्रूडो के
समर्थकों को। अच्छा बताइए, अमेरिका में ट्रूडो राष्ट्रपति बन गए, बांग्लादेश में कोई जश्न मना रहा है, मोहम्मद यूनुस को क्यों दर्द हो रहा है, उसे क्या परेशानी है, वो क्यों मार रहा है लेकिन अरेस्ट करवा रहा है, बौखलाहट समझ में नहीं आ रही है ये बौखलाहट। लेकिन आने वाले वक्त भारी भी तो पड़ेगी ना पंकज जी, निश्चित इसका फायदा थोड़ा ही मिलने वाला है आपको, आपको बचाने के लिए कम आएंगे। आपको क्या लगता है मोहम्मद यूनुस के समर्थक भारत में नहीं है? बिल्कुल होंगे, बिल्कुल होंगे, जैसे पाकिस्तान के समर्थक हैं वैसे बांग्लादेश के भी होंगे। होने वाला है उन सबका बुरा वक्त शुरू होने वाला है जो भारत में रहकर बांग्लादेश के मोहम्मद यूनुस का सपोर्ट कर रहे हैं, उनका बुरा वक्त शुरू होने वाला है जो अमेरिका में रहकर अमेरिकियों के खिलाफ काम कर रहे थे, उनका बुरा वक्त शुरू होने वाला है जिन्होंने यूक्रेन को बर्बाद किया, उनका बुरा वक्त शुरू होने वाला है जस्टिन ट्रूडो का बुरा वक्त शुरू होने वाला है जिसने अमेरिका के खालिस्तानी आतंकियों के लिए भारत जैसे देश के साथ रिश्ते खराब किए। जितने भी इस तरह के एलिमेंट दुनिया में हैं सबका बुरा वक्त शुरू होने वाला है। इसलिए विदेश मंत्री जयशंकर ने कल बहुत साफ साफ कहा, उन्होंने कहा कि ट्रंप के आने से बहुत सारे लोग और बहुत सारे देश अनकंफर्टेबल हैं लेकिन भारत उन देशों में शामिल नहीं है, भारत खुश होने वाले देशों में शामिल। बिल्कुल, अब भारत का विदेश मंत्री कह रहा है इंटरनेशनल फोरम पे कह रहा है, यूं ही कह रहा है, ये सांकेतिक चीजें होती हैं। और 20 जनवरी के बाद देखना होगा कि क्या कुछ दुनिया में बदलता है। यह तो तय है कि जो युद्ध के मुहाने पर दुनिया खड़ी है वो भी बंद होंगे। बांग्लादेश में जो तख्ता पलट हुआ वहां भी स्थिति जो थी वैसी ही स्थिति, मतलब शेख हसीना वाली स्थिति आएगी। कितना वक्त लगेगा, 6 महीने का लगेगा, साल भर का लगेगा, वो एक अलग बात है, लेकिन वाकई में ये सच है और इसको सबूतों के साथ कहा जा सकता है कि 20 जनवरी के बाद दुनिया का और दुनिया को देखने का रुख बदलने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद पंकज जी इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। दर्शकों, चर्चा आपको कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताइएगा। धन्यवाद।